पसीने में बिंदी भी कहाँ चली गई। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और घड़ी में टाइम हो रहा है 6:30 का, सवा 6 के आसपास हो रहा है, घड़ी थोड़ा आगे है। और मैं रखी पसीने में, मैं बना रही थी खाना, क्योंकि आज मैंने छोटी सी पार्टी रखी अपने घर पे ना, तो आपको पता लगेगा मैंने पार्टी किस खुशी में रखी है। तो मैं भी खाना बना रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। कुछ बनाया है, कुछ ही बाकी है, दो चीज़ बाकी हैं, और रोटियां तो जब आएंगे तब बनाऊंगी। रोटी पूरी जो भी कहेंगे खाने वाले उसके हिसाब से बनाऊंगी, या फिर बाहर से कहेंगे तो बाहर से मंगाऊंगी, देखते हैं क्या होता है ना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये तो चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि अभी शाम हो रखी है, शाम की चाय मैंने नहीं बनाई अभी तक ना, बना रही हूँ। और ये है कढ़ी, अभी मैं इसे तड़का लगाऊंगी, मैं तड़का नहीं लगाया इसमें। और ये है छोले, और ये मैंने चावल भिगो रखे हैं, अभी इनको छोकूंगी चावलों को ना। और ये ना मैंने दही बल्ले बनाए देखो, और ना इसमें से कुछ ना दही बल्ले फूट गए, और पता नहीं क्यों फूट गए मुझे समझ नहीं आया, वो ना जब तल रही थी ना तभी ऐसे हो गए थे, फूले फूले से हो गए थे। और ये बर्तन पड़े हैं मांजने के लिए, पहले बर्तन मांजूंगी तब तक मेरी चाय बनेगी। और ये पकौड़े हैं जो मैं कढ़ी में डालूंगी, और ये थोड़े पकौड़े मैंने बचाए हैं, मैं तो दही बल्ले बचा दिए, बल्ले बचा दिए अपने चाय के साथ खाने के लिए। और ये सुबह की सब्जी रखी है, अरवी की सब्जी बनाई थी मैंने सुबह ना। और जी बस अभी इतना बनाया है, अभी बनाऊंगी सेवैया बनाऊंगी ना, तो जल्दी बन जाती है। बस दूध अच्छे से बॉयल हुआ है वो तुरंत डाल देती हूँ मैं तो ना, तो दूध के साथ बॉयल होती रहती है, अच्छे से बन जाएंगी, जल्दी से बन जाती हूँ वो तो। और चावल अभी बना दूंगी मैं, जैसे चाय पीने बैठूंगी तभी चावल बना दूंगी, और पूजा करूंगी मैं चाय पीने के बाद आधा घंटा थोड़ा गैप दे करके। बहुत थकान थकान सी लग रही है ना, गर्मी इतनी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो रखा है। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे आप लोगों से ना, जब सारा खाना बन जाएगा, और जिन जिनको मैंने बुलाया है जब वो लोग आ जाएंगे तब उन सबसे मिलवाऊंगी। उस दिन तो मिलवा नहीं पाई मैं आपको किसी से भी ना, तो मैं आज मिलवाऊंगी। तो जी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नमस्ते, देख लो कितने चीख रही है, ऐसे चीखती रहती है। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। लड़की के साथ मजाक कर रहे हो कि नानी नहीं आई? देख लिया उसने, हाँ तो झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं सब। बहुत चिल्ला देगी, हाँ मम्मी आपका आटा होगा। ऊपर से देखते हुए जब भी तो ये भागती नहीं से, नेक्स्ट में नाने को देखा होगा। हाँ तो कोई भी नहीं, हम ही आगे पहले आ जाएंगे तो क्या हो गया, कोई तो आता पहले है भी ना, ये तो कोई तो आता है ना। आई भी आ जा, आई भी ला। अच्छा हुआ, दोबारा जाओ शो ना, अभी भेज दूंगी। क्या दे? मैं नीरो मुझसे भेज दूंगी, रहने दो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ना ना रहने दो, कोई ना, इसमें तो कुछ नहीं है, उसमें उसमें जो भी कुछ है। नानी को दो, खुद से नहीं लेते, जो दे लेना। क्या कहेंगे लगा ले हेयरबैंड में, पुराना लगा ले, कल नया लगा ले। सॉरी मेरी गलती हो गई, खाना
दोनों चार रोटी ले लेगी। पानी तो पिलाते हैं। सब मेंबर आ गए हैं, बस दो मेंबर नहीं आए क्योंकि उनको लगी है वैक्सीन ना, तो दोनों बहनें इकट्ठी लगवाई उन्होंने वैक्सीन, तो सेकंड डोज लगी उन लोगों को, कल लगी थी इन लोगों को ना, तो उन्होंने बोला कि चाची तबीयत ना ऐसे ख़राब हो रखी है, बुखार बुखार सा हो रखा है, इसलिए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा उठने का बिस्तर पर से भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग घर में आराम करो। तो बस दीदी आई हैं, सन्नी आया है, ये लेटे हुए हैं, और ये मम्मी है, मौसी आई थी, और मेरा देवर था, देवरानी थी, उसकी दोनों बेटियाँ थी, और मेरे भाई के दोनों बेटे थे, बस यही लोग थे। इन्हीं को बुला रखा था मैंने कि चलो, और मैं आपको बताती हूँ पार्टी किस खुशी में दी थी मैंने। दरअसल जब हम इस मकान में आए थे तो आज ही का दिन था वो, यानी कि 5 अक्टूबर थी वो जब हम इस मकान में आए थे। तो आज मैं पूरे 18 साल हो गए इस मकान में आए हुए, तो मतलब ये कि हाँ मैं कर लेती हूँ कभी भी ना ऐसे, जब सबको बुला लेती हूँ या तो कभी कभी, या फिर नहीं भी बुलाती कितनी बार, जैसे भी 1-2 साल से तो नहीं बुलाया था, दो ये समझो कि लॉकडाउन लगा हुआ था पिछली बार तो ना, तब कोई भी नहीं आ रहा था, कहीं भी नहीं जा रहे थे हम लोग ना। इस बार तो फिर भी थोड़ा ऐसा है ना कि हाँ थोड़ी राहत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी सब मिल लेते हैं। तो बस इसीलिए मैंने छोटी सी गैदरिंग रखी थी कि चलो सब बैठेंगे, मिलेंगे, बातें बातें करेंगे। तो बस फिर मैं किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। उससे पहले हम ऐसे गप्पे मार रहे थे बैठ करके, फिर क्योंकि सब दूर से आते हैं ना, फिर जाने में सबको देर हो जाती है, फिर रात के 11-12 ऐसे बज जाते हैं जाने में ना, इसलिए तो मैंने कहा चलो पहले खाना वाना खा लेते हैं। तो बस अभी मैं खाना बना रही हूँ और सब गप्पे मार रहे हैं बैठ के, तो अब सब खाना खाएंगे। उसके बाद फिर मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि फिर ऐसे ही होता है ना, अगर एक बार आप कैमरा ऑफ कर दो, क्योंकि बच्चे लग जाते हैं अपने काम में। सारे बच्चे ऊपर वाले फ्लोर पे थे, वो मूवी देख रहे थे सारे के सारे ना, और यहाँ पे सारे बड़े बैठे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पे सारे बड़े बैठे हुए हैं, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं, और मैं और मेरी देवरानी किचन में लगे हुए थे कि चलो मैं बना बना के दे रही थी और डाल डाल के दे रही थी सबको कि चलो सब खाना खा के, ऐसा होगा ना खाना खा लो फिर सबको कहता है कि हाँ भी चलो खाना खा लिया, अब टेंशन फ्री हैं, अब जब दिल करेगा चलो अब चलते हैं उठ करके, फिर सब सब चले जाएंगे। तो इसलिए, और जब ज़्यादा चीज़ें होती है ना खाने में, तो फिर लगता है कि अरे पहले ये दे दो, पहले ये दे दो, तो इसलिए सबने फिर पहले, मैंने सबको पहले दही बल्ले दिए खाने के लिए कि दही बल्ले खाओ और बताओ कैसे बने हैं, तो सबने बोला अच्छे बने हैं। मैंने कहा लेकिन थोड़े टूट गए मेरे से ना, तो कह रहे कोई बात नहीं, तोड़ के तो खाने थे। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी ना देखने में अच्छा सा नहीं लगता ना इस तरीके से टूटी टूटी चीज़ ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाहर का तो कोई नहीं, सब घर के ही हैं। और बस सेवैयाँ दी थी बाद में मीठे में खाने के लिए, मिठाई वगैरह कुछ नहीं थी, सेवैयाँ दी थी। दीदी, मम्मी, मौसी, मेरी सास, और ये मेरी देवरानी, और ये मेरा, तो और ये मेरा देवर जो लेटा हुआ था पलंग पर, और ये तो हैप्पी है ही आप सबके सामने, आप सब जानते हैं इसे ना। तो बस यही लोग थे की तरह। तो जी बस अब सब चले गए अपने घर ना, और बस मैंने उस बीच कुछ रिकॉर्ड ज्यादा करा नहीं, क्योंकि खाना बनाने में लग जाओ ना, फिर भी चली गई खेल के। हाँ हिमांशी भी चली गई खेल के सोना के साथ, बुलबुल चली गई, चीकू, पुल्ली, देख रहे हो तुम कैसा हो रखा है ना, खूब रोई है खूब ज्यादा, क्योंकि सोना गिर गई पलंग पे से, मतलब गिरते गिरते बच गई, एकदम से गिरी तो नहीं, इसके पापा ने पकड़ लिया इसको ना।
वरना गिर जाती, बहुत तेज की चोट लगती इसकी आज। तो बस अभी तो सब चले गए हैं, सब गए अपने अपने घर। बस अभी मैं भी सब काम वाम खत्म करके बैठी हूँ, और कल अमावस है, कल पूजा करेंगे अमावस की, फिर नवरात्रि स्टार्ट, नवरात्रि का शॉपिंग करके लाऊंगी, क्योंकि आज तो मैं अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खरीदा नवरात्रि के लिए ना। बेटा तुम चुप रहोगे आप, अभी होली नहीं आ रही, अभी होली आ रही, मैं अगले साल आएगी होली। सुन ऐसे मत करो, पूरा कुछ नहीं, दरवाजा है ना हवा, आप पहले बंद करके वो वाला गेट अच्छे से जाओ। तो बस अभी तो जी कल पूजा होगी, तब सोने की तैयारी है, क्योंकि रात भी ज्यादा हो गई है, 1 बज रहा है। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे एक नई दिन और नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कल मिलेंगे, कल तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।